नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर लाए हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, हमारे देश में आज भी स्थितियां ऐसी है कि एक दलित युवक अपनी बारात घोड़ी पर चढ़कर नहीं निकाल सकता। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जिले के निजामपुर गांव के दलित युवक संजय कुमार ने जब अपनी बारात घोड़ी पर निकालने का तय किया तो गांव के सवर्णों ने उसका भारी विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए उसने प्रशासन से मदद की गुहार की। प्रशासन ने उसे कानून व्यवस्था की दलील देते हुए घोड़ी पर बारात निकालने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद संजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने वो याचिका रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस पे कुछ नहीं कर सकता, उसे जिस प्रकार से अपनी बारात निकालनी हो वो निकाल सकता है। यदि वधु या वर पक्ष को किसी ने इसको लेके प्रताड़ित किया तो वो पुलिस की सहायता ले सकता है या मुकदमा दर्ज कर सकता है। खबर के पीछे की खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट के दलित एक्ट के ऊपर दिए गए एक आदेश को लेके पूरे देश में दलित आंदोलित हो उठा। हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार गरीबों की और पिछड़ों की है, लेकिन जब उसी सरकार का प्रशासन किसी दलित युवक को कानून व्यवस्था का हवाला देके घोड़ी पर बारात निकालने से मना करता है, यह है इस देश की वास्तविकता। क्या हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे? क्योंकि यहां कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखता है। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।